हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है रोहित और आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एरोप्लेन का विंग आइसक्रीम स्टिक से। सारे मेजरमेंट एमएम पर है। ये है मेरा विंग का डिज़ाइन। सबसे पहले विंग का नॉमेनक्लेचर देख लेते हैं। विंग के सामने वाले हिस्से को लीडिंग एज कहते हैं और पीछे वाले हिस्से को ट्रेलिंग एज। इस लेंथ को रूट कॉर्ड बोलते हैं और इस लेंथ को टिप कॉर्ड। और ये रहा एलरॉन्स और ये रहा फ्लैप्स। ये विंग का स्वीप एंगल है, मेरे केस में ये 35 डिग्री है। यहाँ पर मैंने लिखा है AFT, इसका मतलब है एयर फॉइल थिकनेस। इसे मैं आपको 3D व्यू में दिखाता हूँ। ये जो इसका थिकनेस है टी, इसी को एयरफॉइल थिकनेस कहते हैं और इस लेंथ को रूट कॉर्ड लेंथ कहते हैं। उसी तरह विंग के टिप पर भी एयरफॉइल थिकनेस होगा और इस लेंथ को टिप कॉर्ड लेंथ कहेंगे। ये जो डॉटेड लाइन है ये कॉर्ड लेंथ का 40% है। यहाँ पर एयर फॉइल थिकनेस मैक्सिमम होगा। मेरे केस में विंग स्पैन है 174 mm पेपर पर। मैंने यहाँ पर 7 से मल्टीप्लाई किया है जिससे मुझे एक्चुअल साइज मिल जाएगा प्लेन का। अगर आपको प्लेन और बड़ा बनाना है तो आप यहाँ पे 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हो। अगर आपको छोटा प्लेन बनाना है तो आप छोटे नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हो। ये आपको अपने हिसाब से चेक करना पड़ेगा। मेरे विंग स्पैन का जो एक्चुअल साइज आ रहा है वो है 121 सेंटीमीटर। तो मैंने एक्चुअल साइज में विंग का टेम्पलेट थर्माकोल शीट पर ड्रॉ कर लिया और ये वाला लाइन 9 सेंटीमीटर के गैप पर है और ऊपर में 10 सेंटीमीटर के गैप पर है। और ये एक ट्रांसपेरेंसी शीट है जो मुझे स्टेशनरी के शॉप में 4 रुपये पर पीस के हिसाब से मिल गया। 2-3 शीट को मैं टेप से चिपका कर उस पर टेम्पलेट ड्रॉ कर लूँगा। तो मैंने इस पर भी टेम्पलेट ड्रॉ कर लिया। और मैंने आइसक्रीम स्टिक को टेम्पलेट के हिसाब से काट लिया और इससे मैं विंग का रिब्स बनाऊंगा। इसे मैं इस तरीके से चिपका दे रहा हूं। पूरा रिब्स लग जाने के बाद ये कुछ ऐसा दिख रहा है। आइसक्रीम स्टिक को जोड़कर मैंने एक लंबा स्टिक बनाया है और उसे मैं इस तरीके से चिपका दूंगा। यहाँ पर मुझे एयरफॉइल थिकनेस 2 सेंटीमीटर रखना है। इसके लिए मैं आइसक्रीम स्टिक के टुकड़े को इस तरीके से चिपका दूंगा जिसके वजह से इसका हाइट बढ़ जाएगा। फिर उसके ऊपर भी एक लंबा स्टिक चिपका दूंगा जो मैंने बनाया है, जिससे एक स्लोप टाइप का शेप बन जाएगा। और एयरफॉइल शेप देने के लिए मैं आइसक्रीम स्टिक को इस तरीके से चिपका दूंगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मेरा एयरफॉइल शेप यहाँ पर अच्छे से बन गया। ट्रांसपेरेंसी शीट पर मैंने एक और टेम्पलेट बना लिया और ये नीचे से 2 सेंटीमीटर बड़ा है क्योंकि इसे लगाते वक्त ये ज़्यादा लेंथ कवर करेगा। और इन केस ये ज़्यादा बड़ा हो जाएगा तो मैं इसे बाद में काट सकता हूँ। लीडिंग एज को स्मूथ एंड राउंडेड करने के लिए मैं ट्रांसपेरेंसी शीट का एक टुकड़ा लेकर इस तरीके से चिपका दूंगा। तो ये मेरा एक विंग तैयार हो गया। इसी तरीके से मैं अपना दूसरा विंग भी बनाऊंगा।
और इसका वेट लगभग 137 ग्राम है। और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल स्टेबलाइजर बनाएंगे और फ्यूजलाज, एलिवेटर, रडर और एलरॉन बनाएंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।